ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, इन माई नेक्स्ट वीडियो आई हैव कम्प्लीटेड चैप्टर 4 अप टू एक्सरसाइज 4.3। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 4.4। व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन एक्सरसाइज 4.4 इज नेचर ऑफ द रूट्स। व्हाट वी हैव टू डिस्कस इज नेचर ऑफ द रूट्स। इन माई लास्ट वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 4.3 आई हैव डिस्क्राइब अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स, दैट द जनरल इक्वेशन, द जो जनरल, मेरे प्यारे बच्चों, जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है वो? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल्स टू जीरो, ये है। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स थोड़ा सा आपको बताता हूं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। अगर आप करते हो, देखो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर होता है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, अगर ये हो जाता है जीरो के इक्वल, क्या हो जाता है? जीरो के इक्वल, तो जो रूट्स आएंगे, रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी अगर आ जाता है जीरो से बड़ा, अगर आ जाता है जीरो से बड़ा, तो जो रूट्स होंगे आर रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। और अगर बी स्क्वेयर माइनस में फोर ए सी आ जाता है जीरो से कम, तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, मतलब काल्पनिक होंगे, उनकी कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होगी। रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। अब जो 4.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कहता है आपको? ये कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, अगर रियल आए तो उनको निकालो। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट ही ले लेते हैं, मुझे जो मुश्किल दिख रहा है आपकी नज़र में वो सेकंड पार्ट दिख रहा है, उसी को उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या प्यारे बच्चों? 3x स्क्वेयर माइनस 4√3x और प्यारे बच्चों क्या आएगा? प्लस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? बाय कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको कंपेयर करोगे, आपको मिलेगा ए 3 मिलेगा, बी माइनस 4√3 मिलेगा और सी क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 4 मिलेगा। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशेंट, बी एक्स का कोफिशेंट और सी क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4 आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं पहले, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac, बी कितना आएगा? माइनस 4√3 होल स्क्वेयर माइनस 4ac। देखिए माइनस स्क्वेयर करूंगा पॉजिटिव आएगा, 4 4 16 और रूट 3 का 3 आएगा, माइनस 4 3 12 4 48। तो देखिए ये कितना आ गया, 48 माइनस 48 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 0 आ गया। इसका मतलब रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और कैसे होंगे प्यारे बच्चों? इक्वल होंगे। क्या होंगे? रूट्स रियल होंगे और कैसे होंगे प्यारे बच्चों? इक्वल होंगे। बस अब लिख देने हैं। तो एक्स क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी कितना है? माइनस 4√3 और प्लस माइनस ये तो 0 ही आ गया और 2a 2 × 3 तो कितना आ गया? 4√3/6 प्लस माइनस 0, 2 2 = 4, 2 3 = 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, तो दो वैल्यू आएंगी, 2√3/3, 2√3/3। या तो ये हो सकता है या ये रूट थ्री निचले वाले 3 को काट देगा, तो 2/√3 और 2/√3। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बहुत सिंपल है, डाला काम चल गया इस कंसेप्ट से। ठीक है, डाला और काम चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही होगा प्यारे बच्चों। अब ये कहता है सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ
दे हैव टू इक्वल रूट्स, कि आप k की वैल्यू निकालिए अगर इक्वेशन क्या करते हैं इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, जीरो। ये चीज़ नोट करने की, इसको नोट करके रखें, हर क्वेश्चन में काम आएगी, हर क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो कोई भी एक उठा लेते हैं, जैसे फर्स्ट ही उठा लिया, सेकेंड का फर्स्ट लिखोगे द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों, गिवन इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3, क्या है 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। ये कहता है कि रूट्स क्या है इक्वल, आप लिखोगे इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो गए इसका मतलब क्या हो गया बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी क्या हो गया प्यारे बच्चों, जीरो हो गया। बी स्क्वेयर दैट इज के स्क्वेयर माइनस फोर ए दैट इज टू एंड सी दैट इज थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, देन के स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर टू ज़ा एट, एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, के स्क्वेयर ट्वेंटी फोर है देन के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फोर, देन के इज इक्वल टू माइनस रूट ट्वेंटी फोर एंड रूट ट्वेंटी फोर, रूट ट्वेंटी फोर इज नथिंग बट, इज नथिंग बट टू, टू टू ज़ा फोर और फोर सिक्स ज़ा, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों प्लस और माइनस टू रूट सिक्स, दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के विच विल बी पॉसिबल, दैट इज टू रूट सिक्स पॉजिटिव एंड टू रूट सिक्स नेगेटिव, दिस इज सिंपल इज लाइक दैट, क्लियर। यू हैव टू डू अनदर पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन लाइक दिस, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, सॉल्यूशन थ्री क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव क्या ऐसा डिजाइन हो सकता है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, करके मानते हैं, मैंने मान लिया लेट जो ब्रेथ है ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रूव, मैंने ब्रेथ ही मान ली एक्स मीटर से, कितने प्यारे बच्चों एक्स मीटर है, तो देन जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर जो ग्रूव है उसकी जो लेंथ होगी, उसने क्या कहा है ब्रेथ से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ होनी चाहिए, मतलब ट्वाइस मतलब 2x मीटर, कितनी होगी 2x मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता है एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 800 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, एरिया क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वेयर, इक्वेशन क्या बनेगी लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया, दैट इज x इंटू में 2x इज इक्वल्स टू 800, x इंटू में 2x इज इक्वल्स टू 800, यही दे रखा था ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एरिया 800, ठीक है देख लेते हैं 2x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 800, x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 800 बाय 2 दैट इज 400 एंड x स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 400 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 400 दैट इज 20 एंड माइनस 20, बिल्कुल पॉसिबल है, नेगेटिव क्वांटिटी हम नहीं लेंगे पॉजिटिव वाले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 20, इफ x इज इक्वल्स टू 20 देन जो ब्रेथ है वो कितना आ जाएगा 20 मीटर और जो लेंथ है प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 2x दैट इज 40 मीटर, बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा देखिए क्या हो सकता था कि यहाँ पर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वाला कंसेप्ट लेते, ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दैट इज 20 एंड 40 बिल्कुल पॉसिबल है। अब आगे प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी बिल्कुल सेम दे रखा, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, फोर ईयर एगो द ए प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। चलिए करा देता हूँ इक्वेशन, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर थ्री। चलिए सॉल्यूशन नंबर फोर करते हैं, इसको मैं पूरे को रब कर रहा हूँ,
आप वीडियो को बैक ले जाके पोस्ट करके चीज़ें नोट कर सकते हैं। दो क्वेश्चन रह गए, दोनों को ही करा देता हूँ, ठीक है। चलिए, फॉलोइंग सिचुएशन क्या पॉसिबल है, और कहता है अगर पॉसिबल है तो इनकी वैल्यूज़ निकालिए। ये कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। तो मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट एज है ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला उनका दोस्त, पहला मैन ले लूँ, फर्स्ट मैन, वो मैंने ले लिया एक्स ईयर्स है, कितना प्यारे बच्चों एक्स, देन प्रेजेंट एज ऑफ अनदर, जो दूसरा उसका दोस्त है, ऑफ हिज फ्रेंड। देखिए उसने क्या कहा कि आज की जो उम्र का जोड़ है ना दोनों का, वो कितना प्यारे बच्चों 20 ईयर्स है। तो इसका अगर x ईयर्स है तो दूसरे का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आगे, क्वेश्चन ये कहता है चार साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 था, चार साल पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चार साल पहले अगर वो x है तो चार साल पहले x माइनस 4, अगर आज 20 माइनस एक्स है तो माइनस 4 करूँगा और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 48, कितना आ जाएगा 48। देखिए कोशिश करते हैं, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 48, तो 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 और प्लस 4x, इसको भी लेफ्ट में ही ले आता हूँ, दैट इज़ 48 इज इक्वल। स्पीडली तो नहीं लग रहा, कैलकुलेशन पार्ट है, कहा चार साल पहले, इसमें से भी चार साल माइनस कर दिए, इसमें से भी चार साल माइनस कर दिए, इक्वल में क्या आ गया 48, तो x माइनस 4 20 माइनस 4 16 माइनस x इज इक्वल टू 40, तो x मल्टीप्लाई 16 16x, x मल्टीप्लाई माइनस x माइनस एक्स स्क्र माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलिए ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर, और भाई 16x पॉजिटिव 4x पॉजिटिव प्लस 20x और माइनस 64 माइनस 48 दैट इज माइनस 112 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज कर दो, सबके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0। पहले अगर हम चेक करें कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो आप लोगे लेट डी, जो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac है, एक बार उसको चेक करते हैं कि वो क्या आता है, बी स्क्वेयर दैट इज माइनस 20 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना 400, और ये कितना आ जाएगा 448, और मेरे प्यारे बच्चों ये कितना आया लेस देन 0 आया, क्या आया प्यारे बच्चों लेस देन 0 आया। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0 है, सो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स क्या है रियल नहीं है, सो दिस सिचुएशन। पिछले क्वेश्चन में भी आप ऐसे कर सकते थे, इज नॉट पॉसिबल, और आंसर निकलेगा ही नहीं। देखो रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट एज मैंने उस आदमी की मानी एक्स ईयर्स, उसने कहा उसके दोस्त की और उसकी प्रेजेंट एज का सम 20 है, अगर उसकी एक्स हो गई तो उसके दोस्त की कितनी हो गई 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार साल पहले, चार साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48, मैंने सोल्व किया सिंप्लीफाई किया यहां तक पहुंच गया। अब मैंने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखता हूं, वही हमें बता देगा कि आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। हम पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ द रूट्स में, अगर लेस देन जीरो आए तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, और ग्रेटर देन जीरो आए या इक्वल टू जीरो आए वहां उस केस में रियल होते हैं। मैंने रूट्स में डाला बी स्क्वेयर डाला माइनस 4ac डाला, तो ये क्या आया माइनस 48 आया विच इज लेस देन जीरो, तो रूट्स क्या हो जाएंगे नॉट रियल होंगे, या कैसे होंगे इमेजिनरी रूट्स होंगे, कैसे होंगे इमेजिनरी, तो ये क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, फिर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 4। चलिए चैप्टर नंबर 4 का 5th क्वेश्चन, ये कहता है इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया
400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेरीमीटर हो जाए कितना प्यारे बच्चों 80 मीटर और एरिया कितना हो जाए 400 मीटर स्क्वायर। देख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 जिसकी ये बात कर रहा है। मैंने मान लिया लेट जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क वो मैंने मान लिया एल मीटर। क्या मान लिया प्यारे बच्चों एल मीटर मान लिया। क्या मान लिया एल मीटर। पैरामीटर 80 मीटर कह रहा है ना ये, और जो ब्रेथ है मैं अभी दो वेरिएबल मान के चलूंगा, ये भी मैंने माना है वो कितना ले लिया मैंने बी मीटर। कितना मान लिया बी। तो जो पैरामीटर होता प्यारे बच्चों कितना होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और पैरामीटर कितना दिया है 80। यहाँ से आप लिख सकते हो कि एल प्लस बी कितना आ जाएगा 40 से इक्वेशन नंबर 1। अब अगर L प्लस बी 40 है तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि जो B है वो 40 माइनस L के इक्वल हो जाएगा। बोलो ये बात भी तो मैं बोल सकता हूँ कि जो B है वो 40 माइनस L हो जाएगा। भाई दोनों का जोड़ 40 है तो ब्रेथ जो है वो 40 में से L माइनस करने से आएगी, ये काम भी मैं कह सकता हूँ। देन एरिया जो गिवन है, एरिया जो है एज गिवन, एरिया कितना गिवन है प्यारे बच्चों, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। कितना है 400 मीटर स्क्वायर है। ये कब आता है जब मैं लेंथ में ब्रेथ मल्टीप्लाई करता। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है वीडियो को स्लो कर लीजिए। 400 लेंथ कितनी प्यारे बच्चों, लेंथ है L, ब्रेथ है B, इज इक्वल्स टू 400। मैंने कहा मैं ब्रेथ को भी 40 माइनस L लिख सकता हूँ, मैंने ब्रेथ को हटाकर 40 माइनस एल लिख दिया फ्रॉम सेकंड का इस्तेमाल करके। ठीक है ब्रेथ को हटाकर क्या लिख दिया 40 माइनस एल। अब इसको सोल्व करना है आगे, एल इंटू में 40 40 एल माइनस एल इंटू में एल एल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 400। सबको उधर लेके जाऊंगा तो एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जो बी स्क्वेयर माइनस में 4ac है एक बार वो चेक कर लेते हैं। बी स्क्वेयर दैट इज माइनस 40 स्क्वेयर माइनस 4a 1 और c कितना प्यारे बच्चों 400। ये कितना आ जाएगा 1600 और ये कितना आ जाएगा 1600। तो क्या आ जाएगा 0। मतलब क्या है रूट्स आर रियल होंगे और कैसे होंगे प्यारे बच्चों इक्वल होंगे। ये मैंने चेक कर लिया कि हाँ पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो रूट्स निकाल लेते एल स्क्वेयर 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। 20 और 20 आ गए 20L माइनस 20L प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है तो L कॉमन L माइनस 20 माइनस 20 L माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो L माइनस 20 और L माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो L की दो वैल्यू आई 20 और 20। मतलब आप L की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास ब्रेथ भी क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो आप क्या लिखोगे 100 जो लेंथ होगी वो भी कितनी है 20 मीटर और जो ब्रेथ है वो भी कितने प्यारे बच्चों 20 मीटर। तो दोनों की ही वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 20 और 20 मीटर। पहले तो हमने ये देखा कि पॉसिबल है भी या नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके वो 0 आया, रूट्स रियल आए तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपका चैप्टर नंबर 4 इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए Take care of yourself, beta. Take care of your parents and keep practicing. Thank you very much.